Hello dear students, welcome back to LBS. Today I will explain part 2 of transformation of sentences. In last class I explained how to interchange affirmative sentence into negative or negative sentence into affirmative sentence. Okay, in this class I will explain how to interchange of exclamatory sentence into assertive sentence and assertive sentence into exclamatory sentence. Okay, लास्ट क्लास में हमने एक्सप्लेन किया था कि आप कैसे अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करते हो, नेगेटिव को अफर्मेटिव में कैसे चेंज करते हो विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ सेंटेंस, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है. ठीक है ना, आप सेंटेंस का चेंज कर रहे हो, ठीक है ना, किसी भी वे में चेंज कर रहे हो, बट मीनिंग ऑफ सेंटेंस क्या होना चाहिए, वो रिमेन सेम होना चाहिए. ठीक है, मीनिंग ऑफ सेंटेंस रिमेन सेम. ठीक है, मीनिंग आपका चेंज नहीं होना चाहिए. अब आपका पार्ट टू क्या है, इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस. ठीक है, यहाँ पे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करेंगे और असर्टिव को एक्सक्लेमेटरी में सेंटेंस चेंज करेंगे. अब यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है क्या, जहां पे हम एक स्ट्रांग इमोशन स्ट्रांग फीलिंग को शो ऑफ करते हैं, या फिर आपकी फीलिंग कैसे हो सकती है, आप एक्साइटमेंट भी हो सकता है, ठीक है ना, शोरो भी हो सकता है. ठीक है, नाउ अब देखते हैं रूल वन इसका है क्या. रूल वन, हाउ और व्हाट. अगर आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ और व्हाट से शुरू होता है, तब आप इस सेंटेंस को अफर्मेटिव में चेंज करते हैं, तो आपका सेंटेंस स्टार्ट होना चाहिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब से. ओके, अब यहाँ पे आपका एग्जाम्पल है. एग्जाम्पल फर्स्ट में देखते हैं, व्हाट अ गुड आइडिया, क्या अच्छा आइडिया है. अब यहाँ पे आपको देख रहे हैं व्हाट अ गुड आइडिया, यहाँ पे आपको एक भी सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक भी वर्ब नहीं दिख रहा है. ठीक है ना, बट हमारे तो कंडीशन क्या है, हमारे तो कंडीशन ये है कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों चाहिए हमें. तो यहाँ पे इट हमने एज अ सब्जेक्ट रखा, इज हमने एज अ हेल्पिंग वर्ब रखा, आगे का सेंटेंस इट इज अ गुड आइडिया. क्लियर. नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट अ सीन, क्या सीन है. अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी आपको सब्जेक्ट प्लस आपको वर्ब नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट रखेंगे इट, आप वर्ब रखेंगे इज, आपका इट इज अ नाइस सीन. ओके, क्लियर. सेंटेंस नंबर 3, हाउ फास्ट सी मूव्स, वो कितना फास्ट मूव करती है. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट भी मिल गया है शी, आपका वर्ब भी मिल गया है मूव्स, तो फिर शी मूव्स वेरी फास्ट. ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कुछ इमोशंस शेयर कर रहे हैं. ठीक है ना, ये सरप्राइज का इमोशन है कि कितना तेज वो मूव करती है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा वर्ड यूज किया वेरी, तो वो मूव कैसे करती है, बहुत फास्ट मूव करती है. ठीक है, व्हाट अ बिजी लाइफ सी लीड्स, वो कितनी बिजी लाइफ बिताती है. तो यहाँ पे शी सब्जेक्ट लीड्स वर्ब वेरी बिजी लाइफ. ठीक है, तो ये था आपका सेंटेंस अगर हाउ और व्हाट से स्टार्ट होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ठीक है, अब रूल नंबर टू है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ओ दैट या फिर एलास से स्टार्ट होता है, तब हम इंटरचेंज करेंगे ओ दैट को आई विश के साथ. ठीक है, और एलास को रिप्लेस करेंगे इट इज सैड. ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल, ओ दैट शी वर यंग अगेन, काश वो फिर से यंग हो सकती. ठीक है, तो ओ दैट को रिप्लेस हमने किसने बोला, ओ दैट को रिप्लेस हम लोगों ने बोला था कि आई विश के साथ रिप्लेस करेंगे, तो ओ दैट रिप्लेस इज आई विश दैट, मैं विश करता हूं कि वो फिर से यंग हो जाए. ठीक है, सेकेंड सेंटेंस, अलास यानी यहाँ पे कहेंगे शोर ऑफ फीलिंग आ रही है. ठीक है ना, कहने का दुख की फीलिंग आ रही है. एलास शी डाइड सो यंग, यानी कितनी कम एज में, कितनी दुख की बात है, कितनी कम एज में वो उसकी मौत हो गई. ठीक है, तो यहाँ पे इट इज सैड दैट. ठीक है ना, कि वो कितनी, शी डाइड सो यंग, तो आपका एलास को रिप्लेस किस में करना है, इट इज सैड दैट. ओ दैट आई वर अ किंग, काश मैं किंग हो सकता. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं काश मतलब वो विश कर रहा है कि काश मैं ऐसा कर सोचता होता. ठीक है ना, तो आई विश दैट आई वर अ किंग. ठीक है, तो यहाँ पे आपको रूल में डिफाइन कर दिया गया है ओ दैट रिप्लेस विद आई विश, एलास रिप्लेस विद इट इज सैड दैट. क्लियर, ये आपको क्लियर हो गया.
नाउ रूल नंबर थ्री. अब यहाँ पे आपकी फीलिंग है हुर्रे की, यानी बहुत खुशी, खुशी की बात हो रही है, किसी को प्रेस कर रहे हो, किसी की प्रशंसा कर रहे हो, ठीक है ना. अब यहाँ पे हुर्रे, अब ये जो थ्री वर्ड्स है हुर्रे, ब्रावो, वेल डन, तो ये जो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर इन वर्ड से स्टार्ट होता है तो आप इसको रिप्लेस कैसे करेंगे असर्टिव सेंटेंस में. आप इसको रिप्लेस करोगे इट इज अ मैटर ऑफ, इट इज अ मैटर ऑफ. अ मैटर ऑफ किसका हो सकता है, जॉय का हो सकता है, ठीक है ना, या फिर किसी के प्रेस की बात कर रही हो, किसी की प्रशंसा की बात कर रही हो, ठीक है. तो यहाँ पे ये अगर सेंटेंस में अगर आपका वर्ड हुरे, ब्रावो, वेल्डन अगर आता है तो आप उसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करोगे इट इज अ मैटर ऑफ जॉय, मैटर ऑफ प्रेस, ठीक है ना. दैट एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल, ब्रावो यू सिक्योर्ड हाईएस्ट मार्क्स, यानी कितनी खुशी की बात है, तुमने हाईएस्ट मार्क्स सिक्योर किए, तो इट इज अ मैटर ऑफ, यानी कहीं ना कहीं तुम उस सामने वाले को तुम क्या कर रहे हो, उसकी बहादुरी बता रहे हो, ठीक है ना. तो यहाँ पे इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज दैट, यहाँ पे मैटर ऑफ जॉय भी कर सकते हो, ठीक है ना. इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज दैट यू सिक्योर हाईएस्ट मार्क्स. ओके, हुर्रे वी हैव वन द मैच, यानी हुर्रे जब हम ज्यादा खुश होते हैं, हुर्रे ठीक है हमने ये हासिल कर लिया, ठीक है. तो यहाँ पे बता रहे हुर्रे वी हैव वन द मैच. अब यहाँ पे हुर्रे है, यहाँ पे जॉय की फीलिंग आ रही है, खुशी की फीलिंग आ रही है, तो इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट. अब यहाँ पे इट इज अ मैटर ऑफ, यानी प्रेस है या फिर जॉय की बात की गई है, तो इसके बाद आप दैट जरूर यूज करेंगे, ठीक है ना. दैट वी हैव वन द मैच, ठीक है. थर्ड नंबर, वेल डन यू गेट सिलेक्टेड. अब तुम्हें बोले कितनी अच्छी की बात है, तुमने कितना अच्छा किया, तुम सिलेक्ट हो गए, तो कहीं ना कहीं सामने वाले को आप क्या कर रहे हो, उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, तो इट इज अ मैटर ऑफ प्रेस, प्रेस मतलब अप्रिशिएट कर रहे हो दैट यू गेट सिलेक्टेड, ठीक है. आई होप ये आपको इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं वो पता चल गया होगा. ओके, इफ यू फाउंड एनी डाउट, आपके YouTube चैनल पे जब ये वीडियो अपलोड होगा आप कमेंट बॉक्स में आपको कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है. नाउ आपका, हमने अब बात की, पहले बात हम लोगों ने की थी अफर्मेटिव से नेगेटिव में, नेगेटिव से अफर्मेटिव में. सेकंड में हम लोगों ने बात की एक्सक्लेमेटिव टू असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव टू एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस. अब थर्ड नंबर आ रहा है इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंस. अब यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस का इंट्रोगेटिव में आप कैसे चेंज करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में चेंज कैसे करेंगे, बट उसका मीनिंग सेम रहना चाहिए, ठीक है ना. अब यहाँ पे द सन राइजेस इन द ईस्ट, सन है कहाँ पे राइज होता है, ईस्ट में राइज होता है, ठीक है. तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन कैसे होगा, इज द सन नॉट राइजेस इन द ईस्ट. आपको देखो, अब यहाँ पे आपको अफर्मेटिव सेंटेंस है, आपको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, बट इंट्रोगेटिव में भी आपको नेगेटिव सेंस में चेंज करना है, ठीक है. जैसे एग्जांपल, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सन राइज करता है कहाँ पे, ईस्ट में राइज करता है. इज द सन नॉट राइजेस इन द ईस्ट, क्या सन ईस्ट में राइज नहीं होता. तो यहाँ पे आप डायरेक्टली तो यही बता रहे हो ना सामने वाले को कि सन कहाँ पे राइज होता है, वो ईस्ट में राइज हो रहा है. दोनों का मीनिंग तो सेम निकल रहा है ना, समझ में आ रहा है ना. दूसरा एग्जाम्पल, एम आई नॉट योर फ्रेंड, क्या मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं हूं. तो आप डायरेक्ट तो सामने वाले को यही बता रहे हो ना कि आई एम योर फ्रेंड, ठीक है ना. दोनों का मीनिंग तो सेम ही है ना, दोनों का मीनिंग कहने का मतलब तो सेम ही है ना, कि क्या मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं हूं, ठीक है ना. तो आप सामने वाले को बोल ही रहे हो कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूं, ठीक है. अब यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर थ्री, डिडंट आई स्टडी, क्या मैंने स्टडी नहीं की. तो यहाँ पे जैसे कि आपके घर में मदर बोलती है कुछ काम, तुमने कुछ पढ़ाई नहीं की, तो वो बोलता है, कोई भी पर्सन बोलेगा कि क्या मैंने पढ़ा था, ठीक है ना. तो यहाँ पे डिडंट आई स्टडी, क्या मैंने पढ़ाई नहीं की थी. तो आप इन कहना तो ये चाहता है कि आई डिड स्टडी, मैंने पढ़ाई की थी. यानी आपका मीनिंग तीनों जगह सेम हो रहा, तीनों एग्जाम्पल में मीनिंग आप भले ही आप सेंटेंस में किस में रिप्लेस कर रहे हो, इंट्रोगेटिव में रिप्लेस कर रहे हो, बट आपका मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना. तो आप अफर्मेटिव सेंटेंस को अगर इंटरचेंज करते इंट्रोगेटिव में, तो आपका सेंस, आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव का यूज करना है, ठीक है ना, आपको नॉट का यूज करना है. देखिए, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सन ईस्ट में राइज होता है. तो यहाँ पे आप क्वेश्चन कर रहे हो, क्या सन ईस्ट में राइज नहीं होता है, ठीक है ना.
तो यहाँ पे दोनों का मीनिंग तो आप यही है ना कि दोनों में कहना कि चाहते हो कि सन जो है वो ईस्ट में ही राइज होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आपको ईस्ट के साथ नॉट का यूज हुआ है, यहाँ पे एम के साथ नॉट का यूज हुआ है, डिट के साथ नॉट का यूज हुआ है। तो यहाँ पे आपको असर्टिव से अफर्मेटिव सेंटेंस का इंट्रोगेटिव में आप चेंज करोगे तो आपका मीनिंग है वो सेम रहना चाहिए। क्लियर? आई होप ये यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ठीक है। इन नेक्स्ट क्लास आई विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर टिल ना, जितने भी मैंने आपका पार्ट वन जिसका भी बाकी है देखना उसको पहले देखिए, रिवाइज कीजिए, उसके नोट्स बनाइए और ये पार्ट के भी नोट्स बना दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड सून। टिल नाउ स्टे होम एंड कीप लर्निंग। गुड बाय।